कौन सा चैप्टर पढ़ा है? रिकॉर्डिंग सर्किल बंद कर पढ़ा। दिया क्या? अरे सदन संद्रण, कौन सा चैप्टर पढ़ा है? सर्किल पढ़ा है। ठीक, सर्किल में आपको बाबा हमने क्या क्या बता दिया? कॉर्ड क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी था सर्किल का हमने सारा बता दिया। अब ये सर्किल का क्या है? रिजल्ट है। दो चार क्या है? रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। और सेकेंड रिजल्ट क्या कहा था वो? कल फर्स्ट रिजल्ट बताए थे बाबू, कोई भी सर्किल है, वो कल पहला रिजल्ट बताए थे, कोई भी सर्किल है बोला, इस पे सेंटर से क्या करो, सेंटर से बाबू एक सर्कमफ्रेंस के लाइन को मिला दो, इस लाइन पे बाबू जैसे, इस लाइन पे बबू जैसे एक बाबू ड्रा करोगे, टेंजेंट लाइन है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास करे, ये हमेशा कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, है ना? ये कल बताए थे आपको, कल को बताए थे ना। नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता बाबू? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एक सर्कल। मिनट कर नहीं पढ़ना बाबू तो चल जाओ, कर बैक पास नहीं पढ़ना तो चल जाए बाबू, ऐसे क्लास नहीं होता शैतान। 1 घंटा के क्लास में गप करे वो मम्मी पापा करेगा, डिस्टर्ब करते रहता है। अब क्लास करना स्थिर से कि जवाब, नहीं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 भी 1 घंटा क्लास होता है 50 मिनट, उसमें मम्मी पापा प्यास लगे सर, ई करे सर, वो करे सर। नेक्स्ट बाबू देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या करे बाबू? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल बाबू एट द सेंटर बाबू डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमको ना कुछ समझ में आया सर, क्या आप बोले? कुछ नहीं समझना, ये छोड़ दो, नहीं समझ में आता उसको छोड़ो। कोई सर्किल है बाबू तो ये आर्क होगा, सर्किल का क्या होगा सर? आर्क होगा। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना, ये वाला एंगल बन रहा है सर, और इसी आर्क के द्वारा बाबू ऊपर जो एंगल बन रहा है, ऊपर में ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है, ठीक सर। ये दोनों एंगल में रिलेशन क्या होता बाबू? तो इस एंगल का हाफ ये होता है, और इस यहाँ वाला मान लो 10 डिग्री है, तो ये एंगल 10 है, तो इसका दोगुना यहाँ सेंटर पे एंगल बनेगा, यही रिलेशन होता और कुछ नहीं होता। एक ही आर्क के द्वारा भोला मेरा, अगर सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, एक आर्क हुआ ना बाबू, कैसे आप समझें? देखो इसको इरेज करके बताते हैं, जैसे हम लोग एक सर्किल ड्रा करेंगे सर, है ना, कीजिएगा क्या करें, सर्किल ड्रा करेंगे बाबू, है ना, समझना है शांति से। ठीक, ठीक एक सर्किल ड्रा किया बाबू, ठीक सर, क्या करना? इसको ये रिजल्ट बाबू आपको जिंदगी भर काम देगा, जिंदगी भर काम देगा, जब तक जीवित रहोगे तब तक काम देगा सर्किल बाबू। एक मान लो ये आर्क ले लो, ये आर्क ले लिए सर, इस तरह से है ना बाबू, डिफरेंट कलर का एक आर्क ले लेते हैं, ले लिए सर। तो इस आर्क से बाबू सेंटर पे एंगल बनाओ, इस आर्क से क्या करेंगे? सेंटर पे एंगल बनाएंगे, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यही ना एंगल बनेगा। ठीक सर, ये तनु वीडियो ऑन कर बाबू, तनु इसी आर्क से सर हम लोग क्या करेंगे? इसी आर्क से सर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं एंगल बनाएंगे, तो यहाँ से वो पॉइंट ऊपर लेके जाओ सर, और यहाँ से वो पॉइंट नीचे लेके आओ, ये एंगल बना सेम आर्क के द्वारा। तो एंगल एक और एंगल दो में रिलेशन क्या होता है? तो एंगल एक बाबू क्या होगा? आधा होगा। किससे सर? एंगल दो से। या एंगल दो का बाबू क्या होगा? दुगना होगा एंगल वन। एंगल वन का आधा होगा एंगल टू, या उल्टा बोल सकते हो एंगल दो का दुगना क्या होगा? एंगल वन। मतलब अगर यहाँ वाला एंगल आपको 50 डिग्री दे लिया है सर, तो एक कर दुगना एंगल ये होगा, 50 का दुगना कितना होता है? 100 होगा। या आपको कि ये 100 का एंगल दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ, तो एक ही आर्क से, इसी आर्क से यहाँ 100 बन रहा है, तो इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये कितना निकलेगा? 50 निकलेगा। यही कहता है रूल नंबर बाबू, है ना, रिजल्ट नंबर टू यही कहता है। कोई भी सर्किल है बाबू, तो सर्किल के जो आर्क पे बाबू ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल का आधा इसका सर्कमफ्रेंस पे एंगल होगा, या सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का दुगना सेंटर पे एंगल बनेगा। तो यही फिगर इसमें भी है, यही वही है सर। यहाँ पे क्या किए सर? ये सर्किल का आर्क हो गया बड़का गो सर, है ना सर, ठीक, सर्किल वाला ये ब्लू कलर वाला आर्क हो गया सर, ठीक सर, ये ब्लू का, तो इस आर्क के द्वारा ये एंगल बन रहा है सर, ठीक, और इसी आर्क के द्वारा बाबू ऊपर में एक एंगल बन गया, इस सबको भूल जाओ, इसी आर्क के द्वारा एक ऊपर में एंगल बन रहा है, इसी आर्क के द्वारा एक नीचे एंगल बना, तो ये एंगल अगर मान लो बाबू 120 डिग्री बोला, तो इस एंगल का आधा यहाँ क्या होगा? 60 होगा। या ये एंगल 60 है, तो इसका दुगना क्या होगा? यहाँ ऊपर क्या देख रहे हो? चलो नहीं ऊपर का टुकु टुकु देख रही हो जी, शादी से आई, इतना दिन छुट्टी मार के फिर भी ये कर रही हो,
सेंटर पे जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे बनेगा, तो सेंटर वाला एंगल दुगना होगा, सरकमफ्रेंस वाला एंगल आधा होगा, सरकमफ्रेंस वाला एंगल आधा होगा, सेंटर वाला क्या होगा दुगना होगा, वही का। तो इसी से रिलेटेड यहीं पे लिखा हुआ था ए ओ बी बराबर क्या टू इंटू ए सी बी, मतलब ई ए हो गया, ई ओ हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। तो ए ओ बी ये वाला एंगल कितना होगा टू इंटू ए सी बी, टू इंटू ए सी बी होगा। यहाँ भी वही बात है बाबू, ए ओ बी बराबर कितना होगा टू इंटू ए सी बी होगा, है ना, ए सी बी होगा, यही रिलेशन का था। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कह रहा है भोले कि इस एक्स डी 70 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, तो इस एंगल का आधा यहाँ पे होगा सेंटर पे, तो एक्स 35 70 का आधा कितना 35 डिग्री, यहाँ पे 40 दे ले, यहाँ पे 40 दे ले, तो कह रहा है सेंटर पे एंगल कितना होगा, तो इस एंगल का दुगना सेंटर पे होगा, तो बाई बराबर कितना होगा 80 डिग्री होगा, बाई बराबर कितना होगा 80 डिग्री, है ना। तो ये रिलेशन होता है, लिखो तीसरा रिलेशन लिखाते हैं, एतन वीडियो ऑन करो बाबू फिर से इसको लिखिए सर, ये क्वेश्चन को क्वेश्चन में लिखो, आया कौन कौन नहीं बाबू, शिवानी तन्नु सत्यम अरब, अरब नहीं है जी, कह रहा सर सर तो लिख लिए सर, लिख लिए हो अच्छी बात है बाबू, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट सर, वो 35 डिग्री लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 35 डिग्री यहाँ पे, नेक्स्ट बोला नेक्स्ट नंबर रिजल्ट, तो y is equal to क्या लिखे है, y equal to 80 डिग्री, 40 का दुगना 80 हो जाएगा सर, 2πr का कांसेप्ट लगा सर, सर आपने डिग्री जीरो की तरह लिख दिया, अच्छा ठीक है 80 पे एक बिंदु है, 2πr का कांसेप्ट लगा सर, नहीं तो जी 2πr यहां पे कहा गया जी, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना बाबू, थर्ड नंबर क्या कहता बाबू, सेमी सर्किल के द्वारा जो एंगल बनेगा जैसे क्या सर, शांति से समझना, इसी का बाबू क्या कह सकते हैं स्पेशल केस कह सकते हैं, एक सेमी सर्किल लेंगे सर, यह सर्किल हो गया उसको बीच से कर दो, तो क्या हो गया सेमी सर्किल हो गया, ठीक। अब शांति से समझना तो मान लो बाबू ऊपर वाला कॉर्ड अगर भूल जाते हैं, सेमी सर्किल है बाबू, ठीक है सर, तो ये मेरा क्या हो गया, ये आधा सेमी सर्किल हुआ ना रेड वाला बाबू, ठीक yes, सर, तो एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा शांतनी, 180 डिग्री सर, कितना बनेगा शांतनी एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू, 180 डिग्री, हाँ अब यहाँ पे 180 डिग्री अगर बन रहा तो इसी आर्क के द्वारा भोली जो आर्क नीचे है, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये, ये दोनों ये आर्क जो है बाबू इसी टर्मिनल के द्वारा ऊपर एंगल बनाओ इस तरह से, इसी आर्क के द्वारा दो टर्मिनल है तो एक टर्मिनल यहाँ से एक टर्मिनल यहाँ से, तो ये 180 डिग्री, तो इसका आधा यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट मेरा यही कहता है कि सेमी सर्किल के द्वारा जो एंगल होता है 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, सेमी सर्किल के द्वारा जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये मेरा सेमी सर्किल है सर, ये रेड वाला क्या है सर सेमी सर्किल है, आधा सर्किल है ना बाबू, तो ये क्या हो गया सेमी सर्किल हो गया, ठीक ठीक बाबू, तो एंगल बाबू है ना बाबू सेमी सर्किल में जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये शांत ने कहा है इतना वीडियो बंद चालू, सर्कल बड़ा होगा तभी वही होगा तभी 90 डिग्री होगा, छोटा भी होगा तभी 90, हाँ हाँ सर्किल का हमको शेप से मतलब नहीं है, शेप से नहीं नहीं मतलब है ना बाबू, एंगल बाबू तो ट्रायंगल दी आप दिए 90 डिग्री, ट्रायंगल नहीं बाबू एंगल है ए ओ बी सी, एंड एंगल इज बाबू एंड एंगल यस सर, जो आप ऊपर में जो एंगल पा रहे हैं उसको जब नीचे कर देंगे तो सही होगा कि गलत, यहीं पे ये एंगल लेना बोला एंगल इन्हें बाबू, तो उसका मतलब सर अगर सी पॉइंट सर जो सेमी सर्कल बनाया उसमें होता तो मतलब सीधा ना सर बनाया तो उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा ट्रायंगल बनता था, अब अच्छा एंगल बाबू इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल बाबू इज
राइट एंगल। क्या होता है सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? राइट एंगल होता है। मतलब कितना सर? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। लिखो भोला, फिगर भी ड्रॉ करे सर। हाँ बाबू, फिगर के बिना कैसे होगा बाबू? इन फिगर बाबू सर, क्या मैं सर वीडियो देख के लिख सकता हूँ सर? इन फिगर बाबू एंगल ए सी बी बराबर कितना? 90 डिग्री। कछुआ काहे बंद हो गया बाबू? कछुआ सर, ये तो सर थर्ड होगा ना सर? थर्ड लिखो बाबू, इंक डालते हैं। सारा बच्चा को ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन बनाना है, जो जो नहीं बनाओगे घर पेट पीटेंगे। समझा शुभ्र? सर 5 स्टिक हो जाएगा बाबू। सर 3 नंबर है ना? हाँ 3 नंबर है बोला। सर मेरा थोड़ा सा सर छूट गया सर था सर, क्योंकि सर मेरा वो नेटवर्क कनेक्शन एरर था सर, इसीलिए सर। अच्छा ठीक है सर। वो बोर्ड के सबसे साइड में क्या करवाया सर? वहाँ पे काउंटिंग लिखा, वो रोल नंबर आप लोग का लिखा हुआ सर। सर 20 पर 4 है सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो वो सारा क्वेश्चन अगर करना है बुक में, तो मैं सारा ज्योमेट्री का वीडियो देखने के बाद करूंगी। हाँ छुट्टी मिल रहा है ना भोले स्कूल में? छुट्टी मिल रहा है अभी। जो जो सर्किल वाला क्वेश्चन है वो कीजिए सर, मैं आपको भेज दिया हूँ पेरिमीटर एरिया वाला। अच्छा ठीक है, पढ़ाएंगे तो करवा देंगे। नेक्स्ट भोला सर, प्लीज रुक जाइए सर, एंगल्स इन द बाबू सेम सेगमेंट सर, वो 180 डिग्री है सर नीचे में। हाई हाई 180 डिग्री ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। बताते हैं ए तनु ऑन करो बाबू, ए कछुआ घूमते रहिए चाहिए, कहा बंद करती हो जी? तनु है, सत्यम है, आरव नहीं बाबू, 13 तारीख हो गया। रौनक, ए रौनक कहाँ जी? रौनक हाय जी। यस सर। फिर सब कंप्लीट किया बाबू? नो सर। कहा है बाबू? अगस्त्य है, निको है, सलोनी है, लक्ष्मी है, अरग्या है, स्वर्ण है, जानवी दास, अदित्य दास, संतनी, कछुआ, अंशिका, रोशनी। क्या गप कर रही है कछुआ? डन सर, आई वांट टू डन सर। अब इसका मतलब इसका मतलब समझो, एंगल इन द सेम सेगमेंट बाबू ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। मतलब क्या सर? एक सेगमेंट आपको बताए थे बाबू, सेगमेंट सर्किल का बताए थे ना सर? हाँ सर बताए तो थे सर। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, एक सर्किल ड्रा करेंगे सर, कर लिए सर, सर्किल का सेंटर होगा सर, एगो कोई सेगमेंट ले लो इस तरह से बाबू, ये सेक्टर हो गया है ना बाबू, आपका सेगमेंट कह रहा बाबू, तो ये मेरा क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। अब इसके द्वारा बाबू जो एंगल बनेगा बाबू, रिजल्ट खाली ध्यान रखना, एक एंगल यहाँ बन रहा है ठीक, और इसी बाबू इसी सेगमेंट के द्वारा बाबू एक एंगल कहाँ बन रहा है? शांतनी, इधर बन रहा है ना, एक एंगल यहाँ बना सर, एक एंगल यहाँ बना सर ठीक। नामकरण कर देते हैं, ए हो गया बाबू, ई पॉइंट कौन हो गया? ए हो गया,
इसको ओ नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। तो ये दोनों zigzag बनाया सर, वो भी कर ड्रॉ करना है? नहीं ये नहीं करना, छोड़ो। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं बाबू, एक ही सेगमेंट के द्वारा बाबू, एक ही सेगमेंट के द्वारा ना जाए, ये एक ही ना बाबू आर्क है, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे और डी पे, दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। वही लिखा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। मतलब ये जो एंगल, ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये सब रिजल्ट को याद रखना है, क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना बाबू। इन फिगर बाबू क्या लिखेंगे भोला? इन फिगर बाबू, इन फिगर एंगल कौन सा सर? एंगल ए सी बी बराबर एंगल कौन? ए डी बी आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। ऐ शांतनी काहे इतना बाबू ये करती हो? बोले शांतनी, नेक्स्ट बाबू लिखो, समझाते। एक पॉइंट और है बोला। तनु ऑन करो बाबू, तनु आदित्य जानवी कहाँ गए बाबू? हमारी आदित्य देखो तो कितनी अच्छी है बाबू, बहुत एक दिन तेज हो जाएगी। बोले आदित्य, आदित्य नहीं बोलोगी बाबू? हाँ बाबू, अभी फरवरी में ना एग्जाम है बाबू, टेंशन नहीं लेना आदित्य। हाँ बोले नेक्स्ट बाबू, टेंजेंट क्या होता बताओ तो आदित्य, टेंजेंट क्या होता? बोली रुकिए सर, फोर्थ क्वेश्चन मत मिटाइएगा। टेंजेंट क्या होता आदित्य बताइए तो बाबू? सर अ लाइन व्हिच टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बाबू आदित्य, खुश कर दे। क्या होता शांतनी? टेंजेंट क्या होता शांतनी बाबू? इसका तो हमको समझ ही में नहीं आता बाबू, इतना कैसे आपका बाबू वीडियो फ्लक्चुएट होता शांतनी? सारे बच्चे का बाबू ये कॉन्स्टेंटली ऑन रहता ये शांतनी बोले। यस सर। टेंजेंट क्या होता है? नहीं पता सर, अपने घर पे नहीं था सर, इसलिए सर मैंने लिख पाया था। नहीं पता शांतनी? नो सर। आए मेरे लाल, आप करती क्या हो? कल ही है ना टेंजेंट पर्सन वाला, पर आपने पीछे वाला रिवाइज नहीं करती, कैसे शेड्यूल आपका है बाबू? नो नहीं, कल का नहीं की थी सर, परसों का है ना। टेंजेंट कब पढ़ा बाबू? उसको दो तीन दिन पहले ही पढ़ा है, टेंजेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, सब हमको समझ ही में नहीं आ रहा। वो आप पढ़ा रहे ठीक है, जो नहीं पढ़ा पढ़ा रहे तो वो तो फिर कवर नहीं ना कर पा रही हो। टेंजेंट बाबू बता दिए भोले मेरी, तब कैसे होगा? जब कवर नहीं करोगे तो कैसे होगा? रोशनी बता बाबू, रोशनी टेंजेंट क्या होता है? रोशनी सर मैं बताऊं? नहीं रोशनी बताइए, रोशनी टेंजेंट क्या होता है बाबू? रोशनी टेंजेंट इज मेन पैरेलल साइड पढ़ा देते सर्किल बाबू, अब पढ़ाई लिखाई बंद, ठीक है ना? पहले सारा पीछे वाला कंप्लीट करो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। टेंजेंट हल्ला मत करो, व्हिच टचेस द सर्कल। हाँ बाबू, मान लो बाबू कोई पॉइंट पी है, यहाँ से सर्किल पे बाबू टेंजेंट ड्रा करो, यहाँ से मान लो सर्किल क्या किया सर? टेंजेंट ड्रा किए, ठीक ठीक सर। इस पॉइंट पे मैंने किसी बाबू सर्किल के बाहर से बाबू है ना, कोई बाहर पॉइंट है वहां से सर्किल पर दो बार टेंजेंट ड्रा करो, एक इधर ड्रा करो और एक इधर ड्रा करो, ठीक। तो यहाँ पे मैजिक क्या होता है बाबू? यहाँ पे मैजिक क्या होता है भोला? है ना, यहाँ पे मैजिक क्या होता है बाबू, समझना है। फाइव लिखा हुआ भोला, अब शांति समझना है। टेंजेंट क्या होता बाबू? ये जो शांति सुनो, ये किसका म्यूट है जी? सुन बाबू म्यूट करो ना बाबू,
जैसे तन कहे तो ना खटखूट कर नहीं पढ़ने के मन मत ना हो जी कहल बीपी हाई करवा ले सर मैं नहीं कर रहा हूं सर आप नहीं कर आपके बैकग्राउंड सारा है ना बाबू देखो टेंजेंट क्या होता है बाबू कोई सर्किल का वो है ना बाबू टेंजेंट क्या होता है सर कोई सर्किल होगा सर इस पे बाबू एक पॉइंट ड्रा करो टच करता हुआ जो लाइन पास करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे टेंजेंट कहेंगे तो पॉइंट पी से बाबू हमने एक लाइन पास किया जो यहाँ एम पे क्या कर रहा है टच कर रहा पॉइंट पी से बाबू दूसरा एक पास किया जो एन पे टच कर रहा तो यहाँ पे मैजिक क्या होता है बाबू इस एक्सटर्नल पॉइंट से वो सर्किल पे जब टेंजेंट ड्रा करोगे ना तो इसका लेंथ मतलब ये मान लो 5 सेंटीमीटर है बाबू तो ये भी लेंथ ऑटोमेटिक कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा बहुत बड़ी बात है कोई भी सर्किल पे बाबू कोई भी सर्किल में किसी पॉइंट बाहर से बाबू है ना दो को टेंजेंट ड्रा करो है ना कोई क्या करो टेंजेंट ड्रा करो है ना टेंजेंट ड्रा करो यहाँ से एक टेंजेंट ये हुआ ना पीएम बाबू दूसरा टेंजेंट क्या होगा पीएन होगा तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है सेम होता है टेंजेंट का लेंथ क्या होता है बाबू सेम होता है बहुत बड़ी बात है ना आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कहेगा एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कहेगा ये 5 सेंटीमीटर अब कहेगा पीएन का लेंथ कितना होगा तो रिजल्ट पता रहेगा तब ना अप्लाई करोगे जी ये 5 सेंटीमीटर दे दिया हमको पता है सर कि टेंजेंट लाइन बाबू क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं तो ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना 5 सेंटीमीटर होगा तो यही बाबू रिजल्ट नंबर 5 का था द टेंजेंट ड्रॉन बाबू फ्रॉम द बाबू एक्सटर्नल पॉइंट ये मेरा क्या हो गया सर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ये क्या हो गया एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है ना एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ठीक ठीक सर ये क्या हो गया सर टेंजेंट लाइन है बाबू ये क्या कौन लाइन है टेंजेंट लाइन है बाबू टेंजेंट लाइन है ना टेंजेंट लाइन है क्यों टेंजेंट लाइन है सर क्योंकि सर्कल के सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना एक पॉइंट पे कट कर रहा है बाबू तो नेक्स्ट लाइन लिखा बाबू द टेंजेंट ड्रॉन बाबू द टेंजेंट ड्रॉन ये सब यूज होगा द टेंजेंट ड्रॉन बाबू लिखिए भोला The tangent drawn बाबू from the बाबू exterior from the बाबू external the tangent drawn बाबू from the external बाबू external point इसका शांतनी का बाबू पढ़ती नहीं है the tangent drawn बाबू from the external point बाबू on the external point babu on the circle babu are equal theek aisa loni video on karo janvi das babu on ki jay tanu se tan on karo babu ban se ho gaya पीछे वाला सारा बच्चा को कल अभी कुछ हेलो सर हाँ जी हेलो क्या कहले बाबू आप जब बोल रहे थे सर तो आपका आवाज रुक गया था ये तनु ऑन कीजिए जी जानवी दास बोलिए ऑन करो बाबू जितना भी ज्योमेट्री में पढ़ाएं सारा याद होना चाहिए बाबू आपको शांतनी सर्किल पे पूरा याद होना चाहिए अभी मम्मी सब बात करते हैं आपके बाबू सुबह के फिर करना पड़ेगा पागल हो जाएंगे पढ़ाते सर फाइव नंबर लिख ले हाँ लिखे फिफ्थ और सिक्स लिखे फोर्थ फिफ्थ लिखे जल्दी से सर फोर्थ हो गया सर फिफ्थ लिखो अच्छा हो गया तो शांत रहिए सर टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट पीछे पढ़ा दिए हैं ठीक है ना पहले रिवाइज कीजिएगा क्या होता नहीं होता फिर बताएंगे सर्कल सारा बता दिए बाबू सारा पहले फिर आप लोग कंप्लीट करो ज्योमेट्री का क्वेश्चन बाबू आगे हमारा पढ़ाने से क्या फायदा आप लोग पीछे वाला पढ़वे नहीं करोगे रिवाइज नहीं करोगे तो आगे पढ़ाने से कोई फायदा थोड़ी हो रहा है तो फिर तो ये स्कूल में हो जाएगा जी स्कूल में कैसे हाँ दित्री बोलिए बोलिए सर क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है द टेंजेंट के बाद द टेंजेंट ड्रॉन बाबू फ्रॉम द बाबू एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्किल आर इक्वल ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ये टेंजेंट लाइन हो गया दोनों का टेंजेंट लाइन बाबू तो इक्वल लेंथ का होता एक लाइन और लिख लेंगे बाबू इन फिगर बाबू
फिगर में क्या होगा सर, PM बराबर क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है सर? सत्यम। चलो कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं बाबू। सर क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। हाँ बाबू, सर्किल वाला पहले। सर तो हेडिंग देंगे क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री? नहीं बाबू, हेडिंग नहीं देना, ऐसे ही क्वेश्चन करो। सर बनाने का सर ट्राई करना है सर। हाँ जी, इतना क्यों बोलते हैं, बकर बकर करते हैं बाबू। म्यूट करो जी, ये तो म्यूट कीजिए। एक सर्किल दिया भोला। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बाबू एक एंगल बना रहा है, ठीक सर, यही आर्क बाबू एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री एंगल ए बी सी डी फाइंड करने का रहा बाबू, एंगल ए बी डी। सर 40 डिग्री है सर। सी पहले ए डी बी फाइंड करो, ए डी। हाँ ये 41 डिग्री, 41 डिग्री है। AD AD बराबर कितना होगा, वाट होगा। AD बराबर सर। लोग भी क्वेश्चन मार्क दे दे सर। नेक्स्ट बाबू। हाँ आप लोग दो शैतान बना, एक सर्किल है भोला। yes, इस तरह से है, ये एंगल 60 डिग्री दिया भोला, ये एंगल निकालने का रहा भोला, ये मान लो x डिग्री है तो फाइंड। सर x डिग्री मतलब 1 डिग्री? नहीं, x की वैल्यू निकालना। क्या लिखते हैं? ये 60 डिग्री बाबू, ये एंगल निकालने कह रहा है। म्यूट करो वो, किसका अनम्यूट रहता है जी? निकाले तो लक्ष्मी, जल्दी से बाबू, रोशनी निकालो बाबू, शांतनी बाबू निकालिए। सर कोई भी आंसर सर दे सकते हैं ना सर, जो हम लोग के दिमाग में सर आ रहा है सर, आंसर सही होना चाहिए ना। हाँ बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी सलोनी बाबू, अदित्री, जानवी दास, जल्दी बाबू, जानवी दास तो ये नहीं, जल्दी लक्ष्मी, भोले, शुभ बाबू, जल्दी बना। रख गया शैतान, कैमरा डाउन करा, रख गया। अच्छा उसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर बोले। हाँ बाबू बोलिए संतनी। सर कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है? सेकंड में क्या लिखा है, ब्लर आता है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया, दूसरा का बताओ संतनी। सर दूसरा का तो 60 डिग्री होगा ना? हाँ भोले, मेरे तो 60 डिग्री होगा भोले। हाँ सर।
हाँ भोले, क्या कहना है बाबू, कितना होगा रोशनी दूसरा का बाबू? अभी 3 गो रिजल्ट, 4 गो, 5 गो रिजल्ट बताए, उसी रिजल्ट में अप्लाई करो। कितना होगा दित्री, जल्दी बोली, आप लोग का टाइम हो गया जी। 120 डिग्री होगा सर, 120 डिग्री। गलती है भोले, 30 डिग्री। इसको बना के लाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, फिर बताएंगे आपको। 30 डिग्री होगा सर। सारा रिजल्ट पढ़, सारा रिजल्ट पढ़ के आइएगा, इससे रिलेटेड आप बुक बुक वाला क्वेश्चन बना के लाए। 20 क्वेश्चन बनाना बाबू, एक्सरसाइज 22 से 21 से 20 तक बनाना सर, पहले लीव हो जाओ सर, मेरा 12% सर। एक से आज बाबू क्या करना है, एक्सरसाइज 22 का फोटो भेजा हुआ ग्रुप में। सर 60 डिग्री होगा सर, सर एक्स डिग्री। अच्छा तन, गलती है सर, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। पीछे वाला रिजल्ट पढ़िएगा, उसका बना के लाइएगा। सर आपने पीछे बताया था सर। ओके सर, ठीक है भाई।